और आज ये हर आदमी का भी सवाल है कि जी बहुत दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं मांगते तो मिल जाता है बाज दफ़ा मांगते मांगते ज़िंदगी गुजर जाती कुछ भी नहीं मिलता तो क्या माज रहा है तो पूछा हजरत हमारी दुआएं क्यों कबूल क्यों नहीं होती तो हजरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया हजरत फरमा एक असल में बात यह है कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसकी इबादत नहीं करते हम उसके रसूल को पहचानते हैं लेकिन उसकी इतात नहीं करते हम नेमतों को खाते हैं लेकिन उसका शुगर नहीं करते हम जन्नत का शौक़ और जहनम को खौफ जाहिर करते हैं लेकिन उसका सामान नहीं करते हम शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं लेकिन उससे अदावत नहीं रखते हम मौत को यकीनी जानते हैं लेकिन उसकी फ़िक्र नहीं करते फरमाया कि हम जो है अपने माँ बाप को अपने हाथों से दफन करते हैं लेकिन उससे इबरत हासिल नहीं करते और आखिर में फरमाया बड़ी पते की बात फरमाया कि हम शबों रोज़ अपने ऐबों को देखते हैं उसके बावजूद दूसरों के अबों को तलाश करते हैं कि हमारे अपने अबों को देखना काफ़ी नहीं है कि हम दूसरों के अबों को तलाश करते हैं तो फरमा कि ये हमारे अंदर ऐसे ऐसे वजूब असल में मौजूद हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करते अगर हम में ये चीज़ें ना हों तो अल्लाह तबारक वाली हमारे हाथ उठाने से पहले हमारी दुआओं को कबूल कर ले सही।